भारत के नाम ऐतिहासिक जीत, ईशान किशन और विराट कोहली की तूफानी पारियों की बदौलत भारत ने इंग्लैंड को बुरी तरह हराया। भारतीय टीम ने अहमदाबाद में खेले गए दूसरे T20 मुकाबले में इंग्लैंड को 7 विकेट से हरा दिया। पहली बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड ने 6 विकेट पर 164 रन बनाए। जवाब में खेलते हुए भारतीय टीम ने 18वें ओवर में 3 विकेट के नुकसान पर 166 रन बनाकर मैच जीत लिया। भारतीय टीम की तरफ से विराट कोहली और ईशान किशन ने अर्धशतक जड़े। टॉस हारकर पहले खेलते हुए इंग्लिश टीम की शुरुआत खराब रही। जॉस बटलर को बिना खाता खोले भुवनेश्वर कुमार ने पवेलियन भेज दिया। इसके बाद जेसन रॉय और डेविड मलान ने दूसरे विकेट के लिए 63 रन जोड़े। मलान ने 24 रन बनाकर आउट हो गए। कुछ समय बाद जेसन रॉय ने 46 रन के निजी स्कोर पर पवेलियन लौट गए। जॉनी वेरेस्टो ने कुछ आकर्षक शॉट खेले, लेकिन 20 रन के निजी स्कोर पर उन्हें वॉशिंगटन सुंदर ने पवेलियन भेज दिया। योन मार्गन ने तेजी से रन बनाने का पूरा प्रयास किया, लेकिन उन्हें शार्दुल ठाकुर ने गति में मिश्रण करते हुए 28 रन के निजी स्कोर पर पवेलियन लौटा दिया। अंतिम ओवरों में इंग्लैंड के बल्लेबाज रन बनाने के लिए संघर्ष करते नजर आए। वैन स्टॉक भी भारतीय गेंदबाजों की गति में मिश्रण को समझने में नाकाम रहे और 24 रन बनाकर आउट हो गए। वॉशिंगटन सुंदर और शार्दुल ठाकुर ने 2-2 विकेट चटकाए। इंग्लैंड ने पहली बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 6 विकेट पर 164 रन बनाए। लक्ष्य का पीछा करते हुए भारतीय पारी की शुरुआत खराब रही। KL राहुल बिना खाता खोले सैम करन की गेंद पर आउट हो गए। इसके बाद ईशान किशन और विराट कोहली ने दूसरे विकेट के लिए 94 रन जोड़े। ईशान किशन ने तेजी से बल्लेबाजी करते हुए 32 गेंद पर 56 रन बनाए और डेब्यू T20 में भारत के लिए अर्धशतक लगाने वाले दूसरे बल्लेबाज बन गए। उनसे पहले रहाड़े भी ऐसा कर चुके हैं। ईशान किशन के आउट होने के बाद ऋषभ पंत 13 गेंद पर 26 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन विराट कोहली क्रीज पर डटे रहे। उन्होंने अपना 26वां T20 अंतर्राष्ट्रीय पूरा किया। उन्होंने 49 गेंद पर नावा 73 रन जड़े। इस तरह भारत ने 18वें ओवर में 3 विकेट पर 166 रन बनाकर मैच जीत लिया और सीरीज में भी 1-1 की बराबरी कर ली है। टीम इंडिया में आपका फेवरेट खिलाड़ी कौन सा है, कॉमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।